ऐसा लगता है जैसे किसी टोकरी में किसी बच्चे को सुलाया गया हो। हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा हम लेकर आए बालिंग से आलम, और आज है शंसा पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव जी को यहाँ शंसा के रूप में पूजा जाता है। सुबह से पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और अभी टाइम है शाम का, और पूजा की तैयारियों का वीडियो मैं इसलिए नहीं शूट कर पाया क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा तालाब हो रखा है यहाँ पर। और अभी टाइम हो गया है यूशिम का। यूशिम यानी कि 5 या 7 पुरुषों के द्वारा पारंपरिक परिधान में सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद अब बारी आती है प्रसाद वितरण की। प्रसाद वितरण के बाद सभी मंदिर प्रांगण में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर दूर से आए हुए रिश्तेदारों के लिए खाने की व्यवस्था पंचायत भवन में की गई थी। खान पान के प्रोग्राम के बाद अब बारी आती है बिनती ले जाने की। बिनती में यदि आपके परिवार में छोटे लड़के जो पहली बार शंसे पूजा अटेंड कर रहे हैं, शंसे के दरबार में शंसे पूजा के दिन मंदिर प्रांगण में ले जाया जाता है। गुलाब जामुन अक्षत और दलन से पूजा करने के बाद सभी लोग पारंपरिक छलिया नृत्य करते हुए बच्चे को लेकर शंसे के प्रांगण तक जाते हैं। फस गया। बालक को शंसे मंदिर में ले जाने के बाद जोड़ा दलंग से अंदर पूजा की जाती है। यहाँ महिलाएं मंदिर के अंदर नहीं जाती हैं तो वो बाहर से ही अक्षत से पूजा करती हैं। एक बालक की बिनती ले जाने के बाद अब बारी आती है दूसरे बालक की। अरे अभी पहुंचे, आओ आओ जल्दी आओ। बिनती ले जाने के कार्यक्रम के बाद शंसे पूजा का कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। हे हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर रंग ब्लॉग्स।
और जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है नहीं कि हम लोग बहुत कम गांव आते हैं, कभी कभी आना होता है, तो हमें अपने खेतों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज हमारी बुआ आई है बालिंग से, तो हमें हमारे खेतों के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं रूपा बोनाल दरियाल, साथ में हमारे जीजा जी मनोहर सिंह दरियाल, और हमारे जो मेन एक्सपर्ट हैं आज के सीता देवी बोनाल बनग्याल। हाय कर दो। खेत के बारे में जानकारी लेने आए हैं और ये घूम रहे हैं हम खेतों में। अभी खेत में घूमते घूमते हमारे खेत के नीचे एक ऐसा खेत है जिसकी कुछ स्टोरी है, तो आपको दिखाते हैं और वो बताते हैं स्टोरी। ये जो सामने आप खेत देख रहे हैं, इस खेत का नाम रखा गया है बुंगजंग रे। बुंगजंग लकड़ी का बना हुआ टोप पुराने टाइम पे बच्चों को झूला झुलाने के लिए रखा जाता था। आज से काफी टाइम पहले इस खेत के मालिक जब इस खेत में खेती के लिए आए थे, तो वो साथ में अपने बच्चे को उस बुंगजंग में लेके आए थे, और वो तब यहाँ खेती कर रहे थे तो अपने बच्चे को इस बुंगजंग में रखा हुआ था। तो किसी कारण से बच्चे की डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर दैट ये माना जाता है कि वो जो बुंगजंग था वो आज भी इस पत्थर के रूप में मौजूद है। और आप सामने देख सकते हैं, ये अभी भी ऐसा लगता है जैसे किसी टोकरी में किसी बच्चे को सुलाया गया हो। और इसके पीछे कुछ ऐसी कहावत भी है कि उसके बाद से यहाँ इस खेत में बच्चों को लाना मना है। खेतों की जानकारी लेते लेते बुआ ने एक छोटा सा तथ्य बताया, मुझे लगा वो मुझे आप लोगों के सामने रखना चाहिए, तो आगे चलते हैं। रुक जाओ, पलायन का असर देखिए। दूर दूर तक सारे खेत बंजरी हैं, बस गांव के आसपास के कुछ खेत बोए गए हैं, दैट्स इट। ये खेत हमारा है और ये है हमारा बौन गांव। ये वाला मकान अपना है और यहाँ खेती की गई है। धीरे धीरे अब जन संचार की सुविधाएं यहाँ पहुँचने लगी हैं, तो यहाँ पर लग रहा है जियो का टावर। एक दो सालों में इसका काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ भी लोगों को नेटवर्क की सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो है सोन गांव, नीचे दुक्तू, और ये पंचाचुली है। इधर पंचाचुली से एक रिवर आ रही है, उसको क्रॉस करने के बाद ये दातू गांव है, और आगे जाके ये फिल्म के बाद आगे जाके आपको मिलेगा इस पार गो, और उस पार मिलेगा यहाँ पर ढाकर गांव है। इसके पार है तीदंग, यहाँ पर ITP भी कैंप है टॉप पे, तीदंग के टॉप पे, और तीदंग के पार है मारचा गांव जहाँ मारचा लोग रहते हैं, और वो जो बर्फ़ पड़ा हुआ ये वाला टॉप है, इसके नीचे है लास्ट विलेज ऑफ दर्मा वैली सीपू गांव। खेत में घूमते घूमते अस्थियाँ मिली हैं, गाय घोड़े खच्चर पता नहीं किसकी अस्थियाँ हैं। चल रहा तंबोले का प्रोग्राम, क्यों भाई आया नहीं आया? तंबोला तंबोला करके फोटो खींच रहा क्या भाई? क्या हो गया? कैसा लगा मेरा मजाक? बीच में किसी इमरजेंसी काम की वजह से मुझे जाना पड़ गया था धारचूला, तो मैं आगे व्लॉग शूट नहीं कर पाया। बट उस दिन के कुछ क्लिप मुझे मिले हैं, वो क्लिप आप लोग एंजॉय कीजिए। उस दिन प्रोग्राम हुआ था रस्साकसी का और डांस का, और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और आशा करता हूं आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में रंग ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आगे आपको नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।